वर्कआउट क्यों करना, हमारा गोल क्या है। बिना गोल के लोहा तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। डंबल से, बार से, जिम में रखी महंगी से महंगी मशीन से भी ज्यादा हमारा विजन जरूरी है। नो विजन नो मिशन। बाहर ये हमारी मोटी मोटी आंखें क्या देखती हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता। हमारे अंदर की आंखें क्या देख सकती हैं, वो विजन जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, वो नॉर्मल साइज में है या एक्स्ट्रा लार्ज है, फर्क इससे पड़ता है। क्योंकि जब तक ढंग का विजन नहीं होगा, तब तक हम यूं ही एक जिम से दूसरे जिम तक, एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन तक, और एक अंडे की रेडी से दूसरी रेडी तक बिना किसी कंक्रीट गोल के गोल गोल घूमते रह जाएंगे। मैजिक से बॉडी नहीं बनती। मुझे तो कोई आज तक ऐसा मिला नहीं जिसकी बॉडी मैजिक से या एक्सीडेंट से बन गई हो। मैजिक से सिर्फ टोपी से कबूतर निकलता है और एक्सीडेंट से चोट लगती है। सक्सेस डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट। और मैजिक देखने से नहीं, मैजिक करने से होता है। छत पर ऊपर मुंह खोल के बारिश को बुलाने से बरसात नहीं होगी, मगर कुएं में से मेहनत करके एक बाल्टी पानी तो हम निकाल ही सकते हैं। एक एक ग्राम बढ़ा के एक एक इंच आगे बढ़ा जाता है। जिम में जाकर सिर्फ खड़े हो जाने से वर्कआउट शुरू नहीं होता। वन रैप, टू रैप, वन सेट, टू सेट, बस हो गया। जब सारी हिम्मत खत्म हो जाती है ना, तब जाकर तो वो वर्कआउट असल में शुरू किया जाता है। डोंट काउंट, गिनो मत। जैसे रोटी खाते टाइम मां बोलती है कि गिन मत बेटा खा ले, उसी तरीके से जितनी देर तक जितना उठा सकता है चुपचाप उठा ले। नेवर एवर काउंट। गिनो मत कि कितने रैप हैं, कितने सेट हैं, कितना वक्त हो गया। अगर मेरा वर्कआउट है और दूसरे जा रहे हैं तो मैं भी खिसक लूं, ये मेरे दिमाग में आ कैसे सकता है। मेरा वर्कआउट, मेरा स्पॉट। और क्या हमने सही में अपना बेस्ट दे दिया? बेस्ट का आना तो बाकी है ना, और वो आते आते आएगा। अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या कहती है, क्या सही में हमने अपनी औकात से ज्यादा वर्कआउट कभी किया है? हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। बी सेफ, लेकिन इंजरी से डरना भी नहीं है। अब ले लद्दाख बुलेट पे जाना है तो पिलियन पे बैग और तेल के पीपों के अलावा हम साथ में अपनी जान को भी तो बिठा के लेके जाते हैं। कुछ भी अच्छा चाहेंगे तो रिस्क फैक्टर तो उसमें रहेगा ही रहेगा। और जब हम अपनी हैसियत को पहचानने के लिए ही निकले हैं तो ये बीच में स्पीड लिमिट डालने से क्या होगा, हमेशा की तरह वही गिनती के सेट मारते रह जाएंगे। हम यहां वर्कआउट करने आए हैं, मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए नहीं। और अगर फिर भी जिम में मैथ्स नहीं छूट रहा तो ये एडिशन छोड़ के रेस टू द पावर पे आओ। जब जिम में, मैदान में खुद को निखारने के लिए पहुंच ही चुके हैं तो कंघी काजल छोड़ के छेनी और हथौड़े उठा के लाओ। दो चीजें भूल ही जाएं तो अच्छा होगा।
एक की सब आसान है, दो कि सक्सेस खुद चलकर हमारे पास आएगी। क्योंकि यहां मुंह फाड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली जिस कुएं की बात कर रहे थे ना, वो कुआं हमारे लिए किसी ने खोद के नहीं रखा हुआ। वी हैव टू स्टार्ट डिगिंग। और सिर्फ स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब जब हम तली तक पहुंचेंगे तब तब हमें वहां पर सूखा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि रोज आना पड़ेगा और हर रोज एक नया कुआं खोदना पड़ेगा। कब तक? तब तक जब तक साला एक के नीचे की चिकनी मिट्टी से वो ठंडा पानी रिसने ना लगे।